तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बी का सिम कार्ड यूज करते हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि हर महीने रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज करने पर वो यहाँ पर गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर उनको प्लान में मिलने वाला बेनिफिट या उनको वैलिडिटी कम मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सही टाइम पर सही प्लान चुनने के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि आप लोग जो भी रिचार्ज कराओ उसमें यहाँ पर आपको वैलिडिटी या बेनिफिट कम ना मिले। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आप लोग हर महीने सही प्लान चुन पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इतने महंगे रिचार्ज प्लान हो चुके हैं जो कि यहाँ पर हम तुम काफी सारे यूजर्स हैं जो कि हर महीने यहाँ पर रिचार्ज कराते हैं, यानी दोस्तों एक महीने वाला रिचार्ज कराते हैं ज्यादातर। तो किस तरीके से आप लोगों को रिचार्ज कराना चाहिए ताकि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी नुकसान ना हो, तो जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूंगा एयरटेल और वोडाफोन आइडिया बी की। जियो के रिचार्ज प्लान के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं इन दो ऑपरेटर के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपके पास एयरटेल और वोडाफोन आइडिया बी का सिम कार्ड है और आप लोग रिचार्ज कराते हो 239 रुपए का, ठीक है। अगर आपके नंबर पर 239 रुपए वाला प्लान बेस्ट ऑफर में नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा वो जान लीजिएगा। पहले 239 रुपए में आपको यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 1 GB का डेटा डेली मिलेगा, 100 SMS भी आपको डेली मिलेंगे। इसकी वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगी 24 दिनों की। तो अगर ऑफर में नहीं है तो 1 GB मिलेगा। अगर यही 239 रुपए वाला प्लान बेस्ट ऑफर में है आपके नंबर पर तो आप लोगों को यहाँ पर 239 में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 1.5 GB का डेटा रोजाना मिलेगा, 100 SMS भी रोजाना मिलेंगे। इस प्लान में आपको वैलिडिटी मिलेगी 28 दिनों की। अब ये दोस्तों सभी को प्लान ऑफर में नहीं दिया जाता है। जिन लोगों ने यहाँ पर 2-3 महीने से रिचार्ज नहीं कराया है तो उन लोगों को यहाँ पर 239 रुपए में 1.5 GB का डेटा और वैलिडिटी 28 दिनों की दी जाएगी। अगर आपके नंबर पर 239 रुपए वाला वेस्ट ऑफर रिचार्ज प्लान नहीं है तो आप लोगों को कौन सा रिचार्ज प्लान कराना चाहिए, तो उसके बाद आप लोग एयरटेल या वोडाफोन आइडिया बी में से जिस भी कंपनी का रिचार्ज करोगे तो फिर वो कंपनी आपको रिकमेंडेड करेगी कि आप लोग यहाँ पर 299 रुपए वाला रिचार्ज करो, जिसमें आपको 1.5 GB का डेटा रोजाना मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 100 SMS भी डेली मिलेंगे, इसकी वैलिडिटी मिलेगी 28 दिनों की। तो ये 299 रुपए वाला रिचार्ज है, किसी किसी को यहाँ पर ऑफर में दिया जाता है। जब ये आप लोगों को ऑफर में दिया जाएगा फिर आप लोगों को इसमें यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB का डेटा रोजाना मिलेगा, 100 SMS भी आपको रोजाना मिलेंगे, इसकी वैलिडिटी आप लोगों को वही 28 दिनों की मिलेगी। अगर ऑफर में है तो 2 GB, अगर ऑफर में नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को 1.5 GB मिलेगी। तो अब आप लोग यहाँ पर समझो, चाहे आप लोग वोडाफोन या बी का सिम कार्ड यूज करते हो या आप लोग यहाँ पर एयरटेल का सिम कार्ड यूज करते हो, अगर आपके नंबर पर 239 रुपए वाला रिचार्ज ऑफर में नहीं है, आप लोगों को 1 GB का डेटा मिल रहा है, 1.5 GB का डेटा नहीं मिल रहा है 239 रुपए में, तो आप लोगों के लिए अगला ऑप्शन यहाँ पर 299 रुपए है, तो आप लोगों को इसमें 1.5 GB का डेटा दिखाया जाएगा। अगर यही 299 रुपए वाला रिचार्ज आपके नंबर पर ऑफर में होता तो इसमें 2 GB का डेटा मिलता। अगर आपके नंबर पर 239 में 1.5 GB 28 दिन के लिए नहीं है और आप लोगों को यहाँ पर 299 रुपए में 2 GB का डेटा 28 दिनों तक नहीं है तो आप लोगों को ये दोनों रिचार्ज नहीं कराना है, ठीक है। दोनों रिचार्ज नहीं कराना है तब आप लोगों को कौन सा रिचार्ज कराना है, तो आप लोगों को यहाँ पर वोडाफोन आइडिया बी और यहाँ पर एयरटेल में एक यहाँ पर नया जो प्लान लॉन्च किया गया है जो कि है 319 रुपए का, वो रिचार्ज प्लान आपको कराना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, मैं आपको 2 GB का डेटा रोजाना मिलेगा, 100 SMS भी आपको रोजाना मिलेंगे, और दोस्तों एयरटेल में आप लोगों को इसकी वैलिडिटी मिलेगी पूरे 1 महीने की। अगर जैसे कि एयरटेल में आप लोगों ने इस महीने 22 तारीख को रिचार्ज कराया 319 रुपए वाला, तो आप लोगों को अगले महीने की यानी दोस्तों जून को 22 तारीख को ही आप लोगों का रिचार्ज खत्म होगा। और दोस्तों वोडाफोन आइडिया बी में क्या है, वही सेम प्राइस का प्लान है जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB का डेटा रोजाना मिलेगा, 100 SMS भी आपको रोजाना मिलेंगे, इसकी वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगी 31 दिनों की, ठीक है। तो अगर आपके नंबर पर 239 रुपए में 1.5 GB नहीं है ऑफर में 28 दिन के लिए और यहाँ पर आप लोगों को 299 रुपए में 2 GB का डेटा नहीं मिल रहा है 28 दिनों की, तो आप लोग यहाँ पर 319 रुपए वाला रिचार्ज करा लेना, इसमें आप लोगों का फायदा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जियो की। दोस्तों जियो में क्या होता है कि यहाँ पर बेस्ट ऑफर नहीं होते हैं, जियो अपने यूजर्स के लिए कोई भी बेस्ट ऑफर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता है, जैसे कि इन लोगों के जो भी प्लान है सभी यूजर्स करा सकते हैं, एक सा ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर 239 रुपए वाला रिचार्ज कराओगे जियो में तो आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 1.5 GB का डेटा रोजाना मिलेगा, 100 SMS भी आपको रोजाना मिलेंगे, इसकी वैलिडिटी मिलेगी 28 दिनों की। और दोस्तों यहाँ पर 299 रुपए में आप लोगों को यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB का डेटा रोजाना मिलेगा, 100 SMS भी रोजाना मिलेंगे, इसकी वैलिडिटी मिलेगी 28 दिनों की। तो दोस्तों जियो में आप लोगों को कोई भी बेस्ट ऑफर देखने को नहीं मिलेगा, जियो में आप लोग जो चाहे मर्जी आप लोग प्लान रिचार्ज करा सकते हो, मगर जब भी आप लोग वोडाफोन आइडिया बी और एयरटेल में रिचार्ज प्लान कराने के लिए जाओ तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखना, जो मैंने बेनिफिट बताया वो नहीं मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पर 319 रुपए वाला रिचार्ज करा लेना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय बाय।